हे फ्रेंड्स, आशा सिंह दिस साइड। और ये व्लॉग है कि मेरे कॉलेज में आप लोग ने भी किया होगा अपने बचपन में, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पे। तो मेरे कॉलेज में ये स्टफ दिया गया है। वैसे कॉलेज में आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता दूँ कि मैं एक्ट्रेस भी हूँ और साथ में मैं बीएड स्टूडेंट भी हूँ। तो अभी हम लोग को एक प्रैक्टिकल मिला है जिसमें हम लोग को बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है, बहुत ही बचकाना है, लेकिन मिला है। हर एक इंस्टीट्यूट में एक बार तो ज़रूर मिलता है ये, तो क्योंकि बीएड वालों को भाई सब कुछ करना कंपलसरी होता है, तो हम लोग भी कर रहे हैं और हम लोग का इंटर्नशिप चल रहा है उसमें भी हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। तो ऑल आई हैव इन वेस्ट इज़ बॉटल, ये दो बॉटल्स है मेरे पास। अब मैं देखती हूँ मैं इनका क्या कर सकती हूँ और इन्हीं दो बॉटल से मैं कुछ करने वाली हूँ। तो इस व्लॉग में हम पूरा देखेंगे कि मैं कैसे कैसे क्या क्या बनाती हूँ, और फिर मैं आपको कल का भी दिखाऊंगी कि मेरे जो कॉलेज में कैसे वो क्या होगा यार, एग्जीबिशन होगा कैसे मेरे कॉलेज में एग्जीबिशन होगा, और उसमें मैं जीतूंगी नहीं क्योंकि मेरा इंटर्नशिप चल रहा है। और मैं अभी टाइम हो रहा है 7:30, इस टाइम पर मैं घर आई हूँ और जो है मेरे पास वो है ये दो बॉटल्स, तो इसमें ही मुझे कुछ बनाना है। तो ऑब्वियसली जो लोग फ्री होंगे या जो लोग के पास इंटर्नशिप नहीं होगा वो लोग और बेहतर बनाएंगे, और करना भी चाहिए बेहतर। तो मेरा इतना बढ़िया बन नहीं पाएगा, बट आई एम ट्राइंग बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट, बीएड स्टूडेंट। और ज़िंदगी में पहली बार मैंने यूट्यूब पे, आपने भी बहुत से ये मैड वाले या आर्ट एंड क्राफ्ट वाले वीडियो देखे होंगे और आप लोग सोचते होंगे ग्लू गन, मैंने भी एट लास्ट एक ग्लू गन ले ही लिया। ये मेरे पास एक ग्लू गन है, मन बड़ा ही है, ज़रूरत नहीं थी बहुत कुछ खास, लेकिन क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि मुझे स्कूटी से ले जाना रहता है उसको कॉलेज, तो पता चलता कि दोनों अलग हो जाते तो फिर मेरा क्या ही होता। तो देखते हैं मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ। पहले मैं जा रही हूँ उसको काटने, इसको काटूंगी और इसमें मिट्टी भरूंगी। तो लेट्स सी एंड लेट्स गो। नहीं हो रहा आयरन भैया, कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर रहे भैया। हाँ भैया कर रहे हैं, देखो भैया फोल्ड कर रहे हैं। ओ भाई इसको ऐसे करना पड़ेगा, इक्वल हो जाएगा इसको करने से। इस पे करने से ये पिघल नहीं रहा, ये फोल्ड हो रहा है अंदर की साइड को भी। नाइस टेक्निक, पर ये मेरे को बराबर करना है, ये बराबर हो नहीं रहा। कैमरा में अथा पसीने में। एंड इट्स डन, सी नहीं, क्या बोलो नहीं, और तुमको मन कर रहा है मुन्ना भाई होने का। देखो 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 मुड़ गया अंदर की साइड, सी यार ये तो सही है यार, हमको लाज नहीं लगता है। हम लोग जा रहे छत पे, अंधेरा आ गया मेरे झोपड़े में इसमें मिट्टी भरते हैं। हम लोग छत पहुंच चुके हैं, मिट्टी खोज लेते हैं पहले। ये पानी मेरा, मेरा कैमरामैन मिट्टी खन रहा है गाइस, और ऐसे करने पे गुस्सा हो जा रहा है क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इनका तो खत्म नहीं होता ज्यादा, फैशन होगा मेरा फैशन क्यों खत्म होगा गाइस, मेरा फैशन खत्म होना चाहिए नहीं ना। नहीं संजय दत्त बनी है इनकी, संजय दत्त को कुमारी खेले नहीं, ये लगाए हम जी जड़ा इसमें
इतना देर से निकाले, 10 मिनट पिछले 10 मिनट से खन रहा है, उसमें तो एक छा निकला है। ये अरे गजब, चाहिए नहीं वैसे इसको इतना। अरे बाप रे करो। हम इस्तेमाल कर लेंगे बाबू, काटना है छोटा सा चाहिए ना। अलग अलग पेड़ चाहिए। ये ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा। देखो ऐसा कोशिश करता, ठीक है हम अलग कर लेंगे, तुम दो फटाफट। इसको ये लोग, ये गांव में लोग खाते हैं, ये इसका जो प्याज जैसा है ना नीचे, ये इसको लोग इंसानों को खा जाएंगे सब, इंसानों को उनका खाना सुन के पागल हो जाएंगे गांव वाले लोगों का। नहीं यार, ये नदी के किनारे जानते हो फरता है, फरता है आम है क्या है? बहुत तुम स्वैगी बन रहे हो। आज आपके क्रिकेट का क्या हुआ? आज मैंने मारा है पहले मैच में 47 रन। अरे तुम्हारे क्रिकेट का नहीं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। अच्छा। तुम्हारा एक पैर गोरा एक पैर काला है गौरव, ये क्या की हो? अरे लग रहा सारा पीजी एक के मिल गया। आज नहीं प्याज नहीं है वो पीजी हो गया। अभी हो गया, चलो ये कौन रिएक्शन है? अभी लेमन ग्रास कभी निकालना है आपको, मतलब जो एकदम फालतू फालतू है आपको चाहिए ना। अरे लेमन ग्रास उसकी वो लगेगा हेयर, उसका बाल के लिए आप ही सब। अरे तो क्या मतलब कि उसको पौधा लगाना है दादा? पहले बोले तो छोड़ छोड़ चल गया था मैं। क्यों यार, हमको पता है तुम छोड़ के नहीं जाओगे हमको। चलो दो दो ला। क्या है नाती, रुक जाइए रुक जाइए, निकाल नहीं पाएंगे बस। मन हम निकाल नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। हाँ वो पेड़ वाला लगाए कौन है तुम? तो ससुर ये पेड़ हम लगाए, ठीक है ना? एकदम परफेक्ट है इसको, यही करे। इसमें लीली भैया, लीली भैया लूली। बस कर यार, अभी लेमन ग्रास भी रहे, कितनी उसकी जटाई रहेगी, और बीच में वो रेड वाला ग्रास रहेगा। रेड वाला ये निशा बस सब हो गया यार। अरे गौरव हो गया यार, बस इतना सारा ये निकला है। हाँ इसको फेंक दो ना, एक पेड़ लगाओगे तो इतना ढेर सारा हो जाता है। हम खाली बिया लगा देता हूँ। हाँ बिया से भी हो जाएगा, खाली इतना लगा दो, उतने से भी हो जाएगा। अच्छा खाली इतने। अब ढिठाई भी मत आओ, चलो उठो। वो पिजू ये वहाँ पे भी है, दो उठो दो ना। जूठा की नरवा की हो वो भी तो है, वो दोनों वो ये आपको अच्छा लग रहा है? अरे अच्छा क्या लगना है उसमें, उसको खूबसूरती खाली बाल चाहिए। लेकिन वो घास वो बाल सूखना नहीं चाहिए, सूख गया तब नहीं सूखे, तभी ना जड़ से उखाड़ रहे यार कि ना सूखे। नहीं तो आप मुझे समझ रहे हैं क्या बोले हैं? चलिए इसको डाल दूं, के नहीं निकाल दिया। अरे बाबरी सारा किया तेरा फेंक, बाप रे इतना मेहनत झाड़ लगाया यही खाते। अपन कमरे में वापस आ चुके हैं ये कुछ पेड़ों के साथ और ये मिट्टी से भरा हुआ ये बॉटल के साथ। इसमें बस एक प्रॉब्लम हो गई कि कमर इंसान की थोड़ी पतली होनी चाहिए, ये बिल्कुल इक्वल हो गया है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, सह लेंगे थोड़ा सा। और उस वायर के साथ, उस वायर के साथ हम लोग बनाएंगे इसका हाथ और पैर इस इंसान का, तो फिर बनाते हैं। मैंने इस मिट्टी में थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है ताकि जब मैं अपनों
अपने पेड़ों को लगाऊं तो उनको थोड़ा सा मॉइस्चर मिले और जिससे वो कल तक सूखे ना। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया, इतना ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ये बॉटल है, इसमें कंटेन भी करना है पानी। अभी मैंने डाला तो ये यहाँ तक दिखा रहा है, इससे ऊपर की ज़मीन थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई है। ये देखिए पागल आदमी है और ये उसकी पागल बहन। तार बस भगवान कपड़ा दे दिए हैं क्या? ये तार है जिससे अपन को इसका हाथ बनाना है, लेकिन यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, अंदर से इंसर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से अंदर से इंसर्ट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव करेगा। यहाँ पे हम लोग को छेद करके यहाँ से इस तार को निकाल देंगे तो ज़्यादा सही से रहेगा, निकलेगा नहीं। फिर इसको जलाने चलते हैं। चलो चूल्हे पे इसको जला दे। नहीं कुछ गर्मा के लिए आना, नहीं चूल्हे पे जल के आएंगे। सुनो पहले यहाँ पे छेद किया जाएगा, यहाँ हाथ ठीक रहेगा, नहीं यहाँ हाथ नहीं ठीक रहेगा, यहाँ हाथ ठीक रहेगा, यहाँ हाथ ठीक रहेगा। नहीं देखो यहाँ पे उसका मुंह बनेगा तो हाथ यहाँ पे ठीक रहेगा, ठीक है। अब पैर यहाँ, यहाँ कहाँ चेक करें तुम, तो हमको और कंफ्यूज कर देते हो यार, कहाँ के हेल्पर हो तुम, बेवकूफ है, बदतमीज है क्या? ठीक है वीडियो ऑन है, इसका हाथ लग गया, इसका पैर लग गया, ऐसे आपको लग रहा है ये हैंगर टाइप का लग रहा है, इसको काट दूँ, इसका हंसने वाला क्या रहेगा, इसमें सिर्फ इसको बीच में हम काट देंगे, फिर इसके हाथ को डिजाइन दे देंगे यहाँ पे चिपकाते हुए, वहाँ पे ग्लू गन से चिपकाते हैं, यहाँ पे ग्लू गन से चिपकाते हुए, और इसको फिर हम लोग पेंट करेंगे। पहले हम इसको यहाँ पे ग्लू गन से चिपकाते हैं ताकि हम उससे फ्री हो जाए। पहले तो जानते हैं ग्लू गन इस्तेमाल कैसे करते हैं। ओह माय गॉड भाई, इसका पैकेट कैसे खुलता है? ये भाई तू वीडियो बंद करना ना, पहले खोल लेते। ग्लू गन में से ग्लू निकलने लगा है गाइज, और हम इसको चिपका रहे हैं, सी निकल रहा है। इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है, बस इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था। हमको लगा कि ये फटाफट पिघल जाएगा, बट इसको थोड़ा टाइम चाहिए था पिघलने के लिए। ओए भाई साहब देखिए डराइए और आइए मत। फिर से ये गया क्या? अच्छा दिस नीड्स टू बी प्रेस्ड, ये हम लोग यहाँ तक रेडी हो चुके हैं। अब हम लोग का टाइम है इसका हाथ को डिज़ाइन देने का, उसके बाद हम इस पर इसको पेंट करेंगे। पहले हाथ को डिज़ाइन दे दें। हमारे महाशय एक राउंड कलर हो चुके हैं, बट इन पर अभी दो कोट और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्रैक क्रैक दिखाई दे रहा है। तो इन्हें जब तक ये सूखते हैं तब तक इनके हम, मेरी बिंदर गिर गई, कोई बात नहीं, जब तक ये सूखते हैं तब तक हम इनके लिए चश्मा काट लेते हैं, इनकी नाक काट लेते हैं और इनका प्यारा सा स्माइल काट लेते हैं। तब तक आप सूख जाइए सर, फिर इनका ये हाथ जो फैला हुआ है इनका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, इनको गिटार पकड़ना है। तो इनका गिटार अभी पेंट हो रहा है और वो भी सूख रहा है। सर आपको अपना गिटार मिल जाएगा। खैर हम सर से बात क्यों कर रहे हैं, इनके पास तो ना आँख है ना मुँह है ना नाक है ना प्यू। तब हम सर का चश्मा, उनकी नाक और उनका मुँह बनाएंगे, है ना प्यू, जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे ये ब्लैक पेपर। इसको थोड़ा सा और हार्ड होना चाहिए था पर मेरे पास यही है। ये हम लोग अपने लेसन प्लान में इस्तेमाल करते हैं ब्लैक बोर्ड सेक्शन के लिए। तो हम इसका बनाएंगे, मैं आपको बना के दिखाती हूँ। सर इज दिस रेडी? नाच चेयरते हुए इनका यहाँ बाल है और सर बना रहे हैं उनका गिटार जो ये बजाएंगे। तो ऑलमोस्ट डन, टिटिंग हाय गाइस। चलो बाय। दादा
स्टार्टिंग ऑफ द एग्जीबिशन। हाय मोटे, चाइनीज इनको तो भूख ही लगा रहता है। खैर, अरे कुछ नहीं खाएं सुबह से। सी माय मोच इज देयर, अब वो चाट लगा नहीं तो फाड़ देंगे उसको। चले गए तुम। हाय चाइनीज, उसके दोस्तों हम कैसे ले के आए हैं कि मशक्कत करके। बहुत भूख लगी है, बहुत तेज। जब खा लो। चलो ना भैया, सर्विंग दे। चलो ना यार, हम खा चुके हैं। शी इज ऑलवेज हंग्री। हम भी बोल देंगे यार, अगर बोले कि हम भी बोल देंगे कि हम मान लो हम तो बनाई है। वो पुराना है मटेरियल। कौन सा मटेरियल? वो कराठी पास बनाई है डीएलएड वाली। आप क्या कहना चाहेंगी? सब अच्छा है, मेरा भी अच्छा है। आप अपने मॉडल के बारे में कुछ बताइए। मेरा मॉडल एक्चुअली मेरे घर में एक पानी का सुराही पड़ा हुआ था काफ़ी टाइम, गर्मी के टाइम से ही तो एक्चुअली हो गया था। उसमें एक छेद, तो उसमें पानी रखने लायक था नहीं, तो चला ये वेस्ट ही इसको बेस्ट करते हैं। या फिर मेरे घर में रस्सियों का गुच्छा रहता है काफ़ी, हर हमेशा हर वक्त। तो मैंने उस रस्सी लिया, फिर मैंने उसको रस्सी को उसको पूरा लपेट दिया। उसके बाद मैंने और रस्सी से डिज़ाइन बनाया और एक रस्सी के बेस को मैंने कुछ थोड़ा रंग दिया और थोड़ा साज सज्जा के लिए मैंने थोड़ा उसको शीशे लगा दिए। ज़्यादा मेरा कुछ खर्चा नहीं हुआ है, बेस्ट वेस्ट में से मेरा कुछ बेस्ट निकल गया। साड़ी में से शीशा निकाल दिया है। हाँ, साड़ियाँ शीशा से गोल कपड़ा लगा रहे हैं। क्यों बे, रहता नहीं है ब्लाउज में शीशा? और ये मोती हमारे में से निकाल। हाँ, और वो जो ब्लाउज नहीं आता है वो राजी वाले को मेरा फट गया, उसमें इतना बड़ा बड़ा शीशा था, हम काट काट के निकाल दिए। ब्लाउज मेरा नीचे शीशा लग जाएगा ना। चिरू, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं खड़ी होके? अभी हम लोग फादर का वेट कर रहे हैं। कुछ पता भी रहता है आपको? एग्जीबिशन हो चुका, हम लोग अब वेस्ट हो गया। और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट फिर से वेस्ट हो गया। वो कोने में रखा गया, कोना कतरा हो गया, पकड़ लिया।